जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजरती है, कभी धीमी कभी तेज, कभी तलाश में तो कभी इंतजार में। ये है कॉलेज जाने वाला नौजवान राघव और ये हैं इसके पिता। ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, लेकिन एक दुख है जो दोनों को परेशान कर रहा है। पिता उसे अपनी कार में लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कार में राघव अपनी मां की यादों में खो जाता है। राघव को अपनी मां के साथ कार में घूमना बहुत पसंद था। अरे फिर से रेड लाइट। आप पेशेंस बेटा। सो मॉम, अब बताओ, आती है ना मुझे ड्राइविंग? हाँ, तू अब बड़ा हो गया है, अब तो कॉलेज भी जाने वाला है, लड़कियों को इंप्रेस जो करना है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स मॉम, नॉट ऑलवेज। ओके, बट ड्राइव केयरफुली ऑन रोड। हाँ श्योर। ग्रीन लाइट हो गई, चलो अब स्टार्ट करो। चले पिता और राघव कार से उतरते हैं और पहुंचते हैं PGIMER के एडवांस ट्रॉमा सेंटर। राघव के चेहरे पर उदासी है, आखिर क्यों? ये है ICU, जहां राघव की मां का इलाज चल रहा है। इधर ICU के भीतर राघव की मां जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रही है। ICU के बाहर खड़े राघव की बेचैनी बढ़ती जा रही है। राघव की मां ये जंग हार जाती है, उसकी ब्रेन डेथ हो गई है। उदास मन से राघव अपने घर पहुंचता है। मां की यादें यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। पिता भी परेशान है, राघव का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा और अपना दुख है कि बयां ही नहीं किया जा सकता। राघव की मां उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन में उसकी मां कार में उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। पिता
पिता के जहन में ये मंजर आज भी तैर रहे हैं। माँ की ये तमाम यादें आज भी उनके घर की एल्बम में कैद हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं, लेकिन एक सवाल इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहा। मां की तस्वीर शायद उन्हें कुछ कह रही है, लेकिन राघव का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसे अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद है। इधर आईसीयू में एक और बेटा अपनी मां के बचने की उम्मीद कर रहा है। एक का अंत कैसे दूसरे को जीवन दे सकता है? ये सवाल सबके मन में तैर रहा है। आईसीयू में अब पहले के मुकाबले ज्यादा शांति है। लगता है मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। राघव की मां अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। सहानुभूति और उम्मीद का एक हाथ राघव अपने हाथ में महसूस करता है। अंगदान करें या न करें, इस पर दोनों कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। राघव की आंखों में आंसू हैं। पिता पुत्र दोनों दुख में डूबे हैं। डॉक्टर, कुछ बोल नहीं रही मम्मा, कुछ करो डॉक्टर। लेकिन राघव को अभी भी विश्वास नहीं है कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। वो अभी भी अपनी माँ के बोलने का इंतजार कर रहा है। बोलो ना मम्मा, बोलो, बोलो ना डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन के लिए अभी भी राघव के पिता को समझा रहा है। प्लीज आप हमें अपनी मंजूरी दीजिए, वरना हम अपना कीमती समय व्यतीत कर देंगे। पर आप ये सब कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? वो अभी जिंदा है और आप सब कह रहे हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगी। प्लीज सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते हैं। वो कोमा में जा चुकी हैं, उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। वो ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पे आईसीयू में कितने दिन रहेंगे हम नहीं बता सकते। हम ज़्यादा देर आईसीयू में वेंटिलेटर पे उनको कितने भी दिन रख लें, उसका कोई फायदा नहीं है। और आप ये बात समझ सकते हैं। डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म रख कर वहां से चला जाता है। पिता अभी भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो ऑर्गन डोनेशन किए हुए लोगों की तस्वीरें देखते हैं। क्या करें क्या न करें के भंवर में फंसे। राघव के पिता
राघव के पास आते हैं, जहां राघव अभी भी रो रहा है। दोनों अब समझ चुके हैं कि राघव की मां अब कभी वापस नहीं आएगी। बेटे, तेरी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। बेटे, नहीं बोलना पापा, ये हमें छोड़कर चली गई है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर पिता पुत्र किसी नतीजे पर पहुंचने का फैसला करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। पापा, मुझे लगता है हमें अब मम्मा को जाने देना चाहिए। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। जी सर, क्या डिसाइड किया? दोनों डॉक्टर को अपनी सहमति दे देते हैं। डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन की तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं। सिस्टर, ये मान गए हैं, आप डॉक्टर धीमन को कॉल कीजिए और आप ओटी की तैयारी कीजिए, जाइए और इनसे कंसेंट फॉर्म पे साइन करा लीजिए, ठीक है? गुड डिसीजन। ऑर्गन डोनेशन कार्ड पर साइन कर उसके पिता अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और राघव की मां की मौत को सार्थक बनाते हैं। PGIMER के होनहार डॉक्टर ऑर्गन डोनेशन की इजाजत मिलने के बाद राघव की मां का लिवर, हार्ट, किडनी और आंखें अंगदान के लिए निकाल लेते हैं। हम सबको अंगदान का पाठ पढ़ाकर राघव की मां अमर हो जाती है। उनके अंगदान 4 लोगों की जिंदगी बचाएंगे। उनके माध्यम से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी। तो क्या ये गर्व मैं, आप और हम सब नहीं करना चाहेंगे? यकीनन चाहेंगे। कभी एहसास बनकर तो कभी धड़कन बनकर राघव को हमेशा अपनी मां पर गर्व रहेगा कि उन्होंने अंगदान किया था। अंगदान कीजिए, अपने जीवन को एक नई परिभाषा दीजिए। आपको अंगदान के लिए प्रेरित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है PGIMER, जो आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊपर जाकर हम सबको अंगदान का पैगाम दे रहा है। PGIMER मल्टी ऑर्गन डोनेशन की सुविधाओं के लिए भी अग्रसर है। PGIMER की ऑर्गन डोनेशन मुहिम में अनेक लोगों ने अपने अंगों को डोनेट करने का प्रण लिया। ये जन समूह अगर यूं ही बढ़ता रहा तो भारत एक दिन विश्व के अग्रसर देशों में शामिल होगा। आप भी अपने अंगों को दान करने का प्रण लेकर मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करने के लिए आप अपने स्थानीय अस्पताल जहां अंगदान की सुविधा उपलब्ध हो वहां संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई संस्थानों द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट्स पर भी अपना डोनर कार्ड बनवा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप हमारी वेबसाइट lampoflife.in पर लॉग ऑन करके डोनर कार्ड पर क्लिक करें।
कार्ड पर दिए गए क्षेत्रों में अपनी मूल जानकारी जैसे कि नाम, पता, उम्र इत्यादि भरें। बस कुछ ही दिनों में आपका डोनर कार्ड पोस्ट द्वारा आपके दिए पते पर पहुंचा दिया जाएगा।